तो बच्चों कैसे हैं आप सब। आज मैं फिर आप लोगों के सामने ऑनलाइन से प्रस्तुत हूं और जैसा कि निर्मला उपन्यास का पाठ कर रहे हैं और उसके साथ हम व्याख्या भी उसकी करते जा रहे हैं। तो आज निर्मला उपन्यास के पाठ का हम छठा परिच्छेद पढ़ेंगे और इस परिच्छेद में प्रेमचंद ने किस तरीके से कहानी को मोड़ा है वो देखेंगे। इसके पहले हमने ये देखा था कि निर्मला का ब्याह एक अधेड़ उम्र के पुरुष के साथ होता है जो उसके पिता की उम्र का है, इसलिए निर्मला का मन नहीं मानता है और वह उससे बहुत दूर कटी रहती है, क्योंकि उसे हमेशा ये लगता है कि ऐसी अवस्था में तो सिर्फ अपने उसने पिता को देखा था, पति का संबंध या पत्नी का संबंध उसे वो स्थापित नहीं कर सकती। यही कारण है कि तोताराम के खूब रिझाने पर भी वह उससे रिझती नहीं और अंततः तोताराम के जो बच्चे हैं, पहली स्त्री से जो बच्चे हैं, उन बच्चों को खिलाने में ही वह प्रसन्न है। अब आगे, उस दिन अपने प्रगाढ़ परिणय का प्रबल प्रमाण देने के बाद मुंशी तोताराम को आशा हुई थी कि निर्मला के मर्म स्थल पर मेरा सिक्का जम जाएगा, लेकिन उनकी यह आशा लेश मात्र पूरी न हुई, बल्कि पहले तो कभी कभी उनसे हंसकर बोला भी करती थी, अब बच्चों ही के पालन में व्यस्त रहती थी। जब घर में जाते तो बच्चों को उसके पास बैठा पाते, कभी देखते कि उन्हें खिला रही है, कभी कपड़े पहना रही है, कभी कोई खेल खेल रही है और कभी कोई कहानी कह रही है। निर्मला की त्रसित हृदय प्रणय की ओर से निराश होकर इस अवलंबन को ही रानी मत समझने लगा। बच्चों के साथ हंसने खेलने में उसकी मातृ कल्पना ऐसे तृप्त होती थी, पति के साथ हंसने बोलने में जो संकोच, जो अरुचि, जो अनिच्छा होती थी, यहाँ तक कि वह उठकर भाग जाना चाहती थी, उसके बदले यहाँ बालकों के सच्चे सरल स्नेह से चित्त प्रसन्न हो जाता था। पहले मनसाराम उसके पास आते हुए झिझकता था, लेकिन अब वह कभी कभी आकर बैठ जाता था। वह निर्मला का हमसिन था, लेकिन मानसिक विकास में 5 साल छोटा। हॉकी और फुटबॉल ही उसका संसार, उसकी कल्पनाओं का मुक्त क्षेत्र और उसकी कामनाओं का हरा भरा वारा था। इकहरे बदन का छरीरा, सुंदर हंसमुख, लज्जाशील बालक जिसका घर से न केवल भोजन करनाता था, बाकी सारे दिन न जाने कहाँ घूमता रहता। निर्मला उसके मुंह से खेल की बातें सुनकर थोड़ी देर के लिए अपनी चिंताओं को भूल जाती थी और चाहती थी कि एक बार फिर वही दिन आ जाते जब वह गुड़ियों से खेलती थी, उनके ब्याह रचाया करती थी और जिसे अभी थोड़े बहुत मुश्किल से वह दिन गुजरे थे। मुंशी तोताराम अन्य एकांत से भी मनुष्यों की भांति विपई जीव थे। कुछ दिन तो निर्मला को सैर तमाशे दिखाते रहे, लेकिन एक दिन जब देखा कि इसका फल नहीं होता कुछ, तो फिर एकांत संयम करने लगे। दिन भर के कठिन मानसिक परिश्रम के बाद उनका चित्त आमोद प्रमोद के लिए ललायित हो जाता था, लेकिन जब अपनी विनोद वाटिका में प्रवेश करते तो उसके फूलों को मुरझाया हुआ, पौधों को सूखा और क्यारियों में धूल उड़ती हुई देखते तो उनका जी चाहता कि क्यों न इस वाटिका को ही उजाड़ दूं। निर्मला उनसे क्यों विरक्त रहती है, इसका रहस्य उनकी समझ में ना आता था। दंपत्ति शास्त्र के सारे मंत्रों की परीक्षा वह कर चुके थे पर मनोरथ पूरा न हुआ था। अब क्या करना चाहिए यह उनकी समझ में ना आता था। एक दिन वह इसी चिंता में बैठे थे कि उनके एक सहपाठी मित्र मुंशी नयन सुखराम आकर बैठ गए और सलाम कलाम के बाद मुस्कुरा कर बोले, आजकल तो खूब गहरी छंती होगी, नई बीवी का आलिंगन करके जवानी का मज़ा आ जाता होगा, बड़े भाग्यवान हो भाई। रूठी हुई जवानी को मनाने का इससे अच्छा कोई उपाय है ही नहीं कि नया विवाह हो जाए, यहाँ तो ज़िंदगी बवाल हो रही है। पत्नी जी इस बुरी तरह से चिमटी हैं कि किसी तरह से पिंड छोड़ती ही नहीं। मैं तो दूसरी शादी के फिक्र में हूँ, कहीं डॉल हो तो ठीक ठाक करवा दो, दस्तूरी में एक दिन तुम्हें उसके हाथ के बने हुए पान खिला देंगे। तोताराम ने गंभीर भाव से कहा, कहीं ऐसी हिमाकत न कर बैठना, नहीं तो पछताओगे। लौंडी आएँ, कुछ लौंडी ही से खुश रहती हैं, लौंडों से ही खुश रहती हैं, हम तो अब उस काम के रहे ही नहीं। सच कहता हूँ, मैं तो शादी करके पछता रहा हूँ, बुरी बला गले पड़ गई। सोचा था 2-4 साल और ज़िंदगी का मज़ा उठा लूँ, पर यहाँ तो आते ही उल्टे पड़ गई। तुम क्या बातें करते हो, लौंडियों को पंजे में लाना क्या मुश्किल है, ज़रा सैर तमाशे दिखा दो, उनके रूप रंग की तारीफ कर दो, बस रंग जम गया, सब कुछ करके हार गया भाई। अच्छा, कुछ इत्र तेल, फूल पत्ते, चाट वाट का भी मज़ा चखाया? अजी, यह सब भी कर चुका, दंपति शास्त्र के सारे मंत्रों का इम्तहान दे चुका, सब कोरी गप्पे हैं,
अच्छा तो अब मेरी सलाह मानो, ज़रा अपनी सूरत बनवा लो। आजकल यहाँ एक बिजली के डॉक्टर आए हुए हैं जो बुढ़ापे के सारे निशान मिटा देते हैं। क्या मजाल की चेहरे पर एक झुर्री या सिर का कोई बाल पका रह जाए, न जाने ऐसा क्या जादू कर देते हैं कि आदमी का चोला ही बदल देता है। फीस क्या लेते हैं? फीस तो सुना है कि ज़्यादा लेते हैं, शायद 500 रुपया। ये कोई पाखंडी होगा, बेवकूफ़ों को लूट रहा होगा। कोई रोगन लगा दो, दो चार दिन के लिए, फिर चेहरा चिकना कर देता होगा। इश्तहारी डॉक्टरों पर तो अपना विश्वास ही नहीं। 10-5 की बात होती तो कहता कि चलो दिल लगी ही सही, 500 तो बहुत बड़ी रकम है। तुम्हारे लिए 500 कौन सी बड़ी बात है, एक महीने की आमदनी है। मेरे पास तो भाई अगर 500 होते तो सबसे पहला यही काम करता। जवानी के एक घंटे की कीमत 500 से ज़्यादा ही है। अजी कोई और नुस्खा बताओ, कोई फ़कीरी जड़ी बूटी बिना हर फिटकरी लंग चौका हो जाए। बिजली और रेडियो के बड़े आदमियों के लिए रहने दो, उन्हीं को मुबारक हो। तो फिर रंगीलेपन का स्वांग रचो या ढीला ढाला कोट फेंको। तंजेब की चुस्त अचकन हो, चुन्नदार पैजामा, गले में सोने की जंजीर पड़ी हुई, सिर पर जयपुरी साफा बंधा हुआ, आँखों में सुरमा, बालों में हिना का तेल पड़ा हुआ, तूंद का पिचकना बहुत ज़रूरी है। दोहरा कमरबंद बांधो ताकि तकलीफ तो होगी लेकिन अचकन सज कर उठेगी। हिजाब मैं ला दूंगा। 100 तो होगी, 100-150 गज़लें याद कर लो और मौके मौके पर शेर पढ़ो। बातों में रस भरा ऐसा हो, ऐसा मालूम हो कि दीन और दुनिया की कोई फिक्र ही नहीं, बस जो कुछ है वह प्रियतमा ही है। जवां मर्दी और साहस के काम करने का मौका ढूंढते रहो। रात को झूठ मूठ शोर करो, चोर चोर और तलवार लेकर अकेले पिल पड़ो। हाँ ज़रा मौका देख लेना, ऐसा ना हो कि सचमुच कोई चोर आ जाए और तुम ही उसके पीछे दौड़ो, नहीं तो सारी कलई खुल जाएगी, मुफ्त में उल्लू बनोगे। उस वक्त जवां मर्दी इसी में है, दम साधे पड़े रहो जिसमें वह समझे कि तुम्हें खबर ही नहीं हुई। लेकिन जो ही चोर भाग खड़ा हो तुम भी उछल कर भाग निकलो और तलवार लेकर कहाँ है चोर कहते हुए दौड़ो। ज़्यादा नहीं तो एक ही महीने में मेरी बात माँ इम्तहान करके देख लो। अगर वह तुम्हारा दम न भरने लगे तो जो जुर्माना कहो वो दे दूँ। तोता राम ने उस वक्त ही तो ये सारी बातें हंसी में उड़ा दी, जैसा कि कुशल व्यवहार कुशल मनुष्य को करना चाहिए। लेकिन इसमें कि कुछ बातें उसके मन में बैठ गईं, उसका असर पड़ने में कोई संदेह न था। धीरे धीरे रंग बदलने लगे और जिसमें खटक न लग जाए, पहले बालों से शुरू किया, फिर सुरमों की बारी आई, यहाँ तक कि 1-2 महीने में उसका कलेवर ही बदल गया। गज़लें याद करके प्रस्ताव से हास्यास्पद था लेकिन वीरता की डिंक मारने में कोई हानि ना थी। उस दिन से वह रोज़ अपनी जवां मर्दी का कोई ना कोई प्रसंग अवश्य छेड़ देते। निर्मला को संदेह होने लगा कि कहीं उन्हें उन्माद का रोग तो नहीं हो रहा। जो आदमी मूंग की दाल और मोटे आटे के 2 फुलके खाकर भी नमक सुलेमानी का मोहताज हो, उसके छैलेपन में उन्माद का संदेह होकर उसे आश्चर्य हो रहा था। निर्मला इस पागलपन का और तो कोई रंग जमता, हाँ उससे उन पर दया जरूर आने लगी। क्रोध और घृणा का भाव जाता रहा। क्रोध और घृणा उस पर होती है जो अपने होश में हो, पागल आदमी तो दया का पात्र है। वह बात बात में उनकी चुटकियाँ लेती, उनका मजाक उड़ाती, जैसे लोग पागलों के साथ किया करते हैं। हाँ इसका ध्यान रखती कि वो समझ न जाए। वह सोचती बेचारा अपने पाप का प्रायश्चित कर रहा है, या सारा स्वांग केवल इसलिए कर रहा है कि मैं अपना दुख भूल जाऊं। आखिर अब भाग्य तो बदल नहीं सकता, इस बेचारे को क्यों चलाऊं? एक दिन रात को 9 बजे तोताराम बांके बने हुए सैर करके लौटे और निर्मला से बोले, आज 3 चोरों से सामना हो गया। मैं ज़रा शिवपुर की तरफ चला गया था, अंधेरा था ही। जो ही रेल की सड़क पर पहुंचा तो 3 आदमी तलवार लिए न जाने कहां किधर से आ पड़े। यकीन मानो 3 काले देव थे, मैं बिल्कुल अकेला, हाथ में सिर्फ यही छड़ी थी। उन 3 तलवार बांधे होश उड़ गए, समझ गया कि ज़िंदगी का यहीं तक साथ है। मगर मैंने भी सोचा कि मरता हूँ तो वीरों की तरह क्यों ना मरूँ। इतने में एक आदमी ने ललकार कर कहा, रख दे जो तेरे पास है और चुपके से चला जा। मैं छड़ी संभाल कर खड़ा हो गया, बोला, मेरे पास तो सिर्फ ये छड़ी है और इसका मूल्य एक आदमी का सिर है। मेरे मुँह से इतना निकलना था कि 3 ने तलवार खींच कर मुझ पर झपट पड़े और मैं उनके वारों को छड़ी पर रोकने लगा। 3 झल्ला झल्ला कर वार कर रहे थे, खटाके की आवाज़ होती थी और बिजली की तरह झपट कर मैं उनके वारों को काट देता था। कोई 10 मिनट तक 3 से खूब लड़वा, तलवार के जौहर दिखाए पर मुझ पर रेफ तक न आई। मजबूरी यही थी कि मेरे हाथ में तलवार न थी, यदि कहीं तलवार होती तो एक को तो जीता न छोड़ता। खैर कहाँ तक बयां करूँ, उस वक्त मेरे हाथों की सफाई देखने के काबिल थी। मुझे तो खुद आश्चर्य हो रहा था कि यह चपलता मुझ में कहाँ से आ गई।
जब तीनों ने देखा कि दाल नहीं गलने वाली तो तलवार म्यान में रख ली और मेरी पीठ ठोक कर बोले, जवान तुमसे वीर आज तक नहीं देखा, हम तीनों 300 पर भारी हैं, गांव के गांव ढोल बजा कर लूट लेते हैं, पर आज तुमने हमें नीचा दिखा दिया। वाह उस्ताद, तुम्हारा लोहा मान गया। यह कहकर तीनों फिर नज़रों से गायब हो गए। निर्मला गंभीर गंभीर भाव से मुस्कुरा कर कहा, इस छड़ी पर तो तलवारों के बहुत से निशान बने होंगे। मुंशी जी इस शंका के लिए तैयार न थे, पर जवाब देना आवश्यक था। मैं वारों का बराबर खाली कर देता था, दो चार चोटें छड़ी पर पड़ी होंगी तो उचरती हुई, जिनसे कोई निराश निशान न पड़ सकता था। अभी उसके मुंह से पूरी बात निकली नहीं थी कि सहसा रुक्मिणी देवी वधवास दौड़ती हुई बोली, हाँ तोता 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 है कि नहीं, मेरे कमरे में एक सांप निकल आया है, मेरी चारपाई के नीचे बैठा हुआ है। मैं उठकर भागी, मुआ कोई दो गज का होगा, फन निकाले फुफकार रहा है, जरा चलो तो डंडा लेते चलना। तोता राम के चेहरे का रंग उड़ गया, मुंह पर हवाइयाँ छूटने लगी, मगर मन के भावों को छिपाकर बोले, सांप यहाँ कहाँ, तुम्हें धोखा हुआ होगा, कोई रस्सी पड़ी होगी। अरे मैंने अपनी आँखों से देखा है, जरा चलकर देख लेना, है मर्द होकर डरते हो। मुंशी जी घर से तो निकले, लेकिन बरामदे पर ही ठिठक गए, उनके पाँव ही ना उठते थे, कलेजा धड़ धड़ से धड़क रहा था। सांप बड़ा क्रोधी जानवर है, कहीं काट ले तो मुफ्त में प्राण से हाथ धोना पड़े। बोले डरता तो नहीं हूँ, सांप ही तो है, शेर तो नहीं, मगर सांप पर लाठी असर नहीं करती, जाकर किसी को भेजूं, घर से किसी के बाला भाला ले आए। यह कहकर मुंशी जी लपकते हुए बाहर चले गए। मनसा राम बैठा खाना खा रहा था, मुंशी जी तो बाहर गए, इधर वह खाना छोड़कर अपनी हॉकी का डंडा हाथ में लेकर कमरे में घुसा ही तो पड़ा, तुरंत चारपाई खींच ली। सांप मस्त था, भागने के बदले फन निकाल कर और खड़ा हो गया। मनसा राम चटपट चारपाई की चादर उठाकर सांप के ऊपर रख दी और ताबड़तोड़ तीन चार डंडे कसकर जमा दिए। सांप चादर के अंदर तड़प कर ही रह गया, तब उसे डंडे पर उठाए हुए बाहर चला। मुंशी जी कई आदमियों के साथ आ रहे थे। मनसा राम को सांप लटकाए देखा तो सहसा उनके मुंह से चीख निकल गई, मगर फिर संभल, अरे मैं तो आ ही रहा था, तुमने जल्दी क्यों कर दी, दे दो कोई फेंकाए। यह कहकर वह बड़ी बहादुरी के साथ रुक्मिणी के कमरे के द्वार पर जाकर खड़े हुए और कमरे को खूब देखभाल कर मूछ पर ताव देते हुए निर्मला के पास आकर कहे, मैं जब तक जाऊँ मनसा राम ने सांप मार डाला।